खंबे हैं जो पोल है उन पर जो बिजली के बोर्ड है ये भी आपके अंडर जुडिशरी आते हैं सर, तो उस पे सर जो वो मीटर लगे हुए वो बिल्कुल जो लो लेवल पर लगे हुए हैं, उसमें करंट लगने का जो डर बना रहता है। चेयरमैन है जो वर्तमान में बनाया शशिकांत जियो को, इनसे भी हम बात करेंगे, तमाम कुछ मुद्दे हैं उनको लेकर। फिलहाल तो एक पहले स्वागत कर रहे थे सर, स्वागत है आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, और आपके चैनल का बहुत बहुत जो आपके दर्शक हैं उनको सबको मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे, अभी धनतेरस भी है, दिवाली भी है, और हुड्डा मार्केट जो बड़ा रश एरिया वहाँ पे रहता है, तो आए साल कुछ ना कुछ त्यौहार होते हैं वहाँ पे रश रहता है, वहाँ पे एक डिलक्स जो शौचालय है उसकी ज़रूरत है सर, तो नगर परिषद की तरफ से रहेगा सर? हाँ, अभी विधायक जी ने हमारे को बताया कि अब हम वहाँ पर 25 लाख रुपए से पूरे नरवाना के लिए जो टॉयलेट्स हैं उनमें अब टेंडर लगाने जा रहे हैं, तो जो भी टॉयलेट होंगे उनके रिपेयर और जो नए बनाने होंगे वो 25 लाख रुपए का हमने टेंडर पास किया है, अब जल्दी टेंडर खुल जाएगा और वहाँ पर टॉयलेट बनाएंगे। अच्छा सर, एक ये जो खंबे हैं जो पोल हैं इन पर जो बिजली के बोर्ड है ये भी आपके अंडर जुडिशरी आता है सर, तो उस पे सर जो वो मीटर लगे हुए वो बिल्कुल जो लो लेवल पर लगे हुए हैं, उसमें करंट लगने का जो डर बना रहता है, मैंने नरवाना के तमाम ऐसे जो पोल्स देखे हैं सर, और उस पे है सर वाईफाई की जो वायर है वो लगी हुई है सर, ये कैसे मुमकिन है सर? ये तो समस्या है, क्योंकि जब वो मीटर रीडिंग लेने के लिए आता है तो उसके पास कोई साधन नहीं होता, तो वो वहीं पे खड़ा होकर बिल बनाता है और बिल निकाल के देता है, अगर उन हाइट पे लगाएंगे तो वो ये काम नहीं कर सकेगा, ये समस्या है। इसके लिए हम एक्शन साहब से बात करेंगे ताकि इसका कोई ना कोई अलग अल्टरनेट बना के कहीं दीवार पे या कहीं और फिक्स कराया जाए, वो मीटर लगाए जाए। अभी क्या है उनको वो कहीं व्हीकल से टूट जाते हैं, कई बार कुछ होता है तो हादसा बनने का चांस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हम इसका समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। ये बड़ी एक समस्या है सर, क्योंकि मैं जब मैंने की है इस पर लोगों में बात की है, जो क्राउडेड एरिया है या जो रिहायशी जो इलाके हैं वहाँ पर बिल्कुल लो लेवल पे है सर, मतलब जान जाने का खतरा बना रहता है, तो कितना जल्दी इस पर काम किया जाएगा सर? नहीं, अभी एक्शन साहब विधायक जी से बात करके और उन एक्शन साहब को बुला के इसका जल्दी निपटान करेंगे हम। अब दिवाली है सर और धनतेरस है, इस पर लोगों को क्या शुभकामनाएं देना चाहूँगा? मैं सभी नरवाना वासियों को नगर परिषद की तरफ से एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि अब हम नाइट स्वीपिंग का टेंडर लगाने जा रहे हैं, जैसे दिवाली में हम पूरी साफ़ सफाई करके करते हैं, ऐसे ही मैं नरवाना के एरिए की साफ़ सफाई करने के लिए दिन रात एक कर देंगे, और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि नरवाना जो हमारा नाइट स्वीपिंग का टेंडर लगा उसके बाद अलग तरीके से चमकने लगेगा। अभी कितने दिन से रुका हुआ था सर नाइट? ये नाइट स्वीपिंग का टेंडर हमारे पास अभी हमारे ईओ आज आए हैं, तो उनका आने के बाद अब टेंडर अपलोड होगा और जल्द ही 10-15 दिन में टेंडर खुल जाएगा, उसके बाद काम निरंतर रूप से चलेगा, फिर आने वाले समय में जो रोड पे आप गंदगी देख रहे हैं वो आने वाले टाइम में नहीं मिलेगी आपको, इन फ्यूचर स्वस्थ निर्वाणा हम देख पाएंगे। हाँ, मेरा ये आपको आश्वासन है और मैं पूरी निर्वाणा की पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हम विधायक जी के साथ मिलके कहीं भी अगर कहीं ऊपर से कोई प्रोजेक्ट लेके आना हो, अभी विधायक जी ऊपर से अभी 45 लाख रुपए की नई मशीन लेके आए हैं, जिससे सीवरेज की समस्या बहुत ज़्यादा हल हो जाएगी हमारी, सीवरेज में कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे हम, पीने का पानी भी विधायक जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जो दिनोरी जाएगा स्ट्रॉन्ग वाटर जाएगा, और विधायक जी ने अभी एक डिजिटल लाइब्रेरी दी है, हमारे चारों तरफ टुवाणा में मंत्री हैं, कलायत में मंत्री हैं, उचाणा में मंत्री हैं, उकलाना मंत्री हैं, चारों तरफ मंत्री हैं, लेकिन मैं विधायक जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो नरवाना के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी लेके आए जो 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, जहाँ 300 बच्चे इकट्ठा बैठकर अपना वर्क काम करेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे और नरवाना का भविष्य उज्जवल होगा। तो ये थे हमारे साथ है जो नगर परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन शशिकांत जी और राम निवास सुरजा खेरा जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, तमाम मुद्दे पे हमने बात की। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा, साफ़ सुथरा रखिएगा, क्योंकि आपका अपना शहर है नरवाना, इसमें जो हमें भी है जो आप इसमें अपना जो काम करना चाहिए, अपने जो शहर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, देखते रहिएगा हरियाणा डेली पोस्ट, आपकी आवाज़।